तो भाई लोगों वेलकम है सभी लोगों का एक न्यू वीडियो में माइनक्राफ्ट के ओपी वाले गेम प्ले में। बाइसिकली हम खेलने वाले हैं आज माइनक्राफ्ट पीई में। एंड भाई साहब क्या ही सीन होने वाला है। पिछली बार मैंने रिकॉर्डिंग स्टार्ट की थी, बेसिकली सीन ये हुआ था, जो ये माइक आप साइड में देख रहे हो जुगाड़ वाला, ये वर्क ही नहीं कर रहा था। और जिस फोन में ये मैंने डाल रखा था ना, सिस्टम ये था कि कैमरे में काम ही नहीं करता ये माइक। सो बेसिकली पूरी आवाज़ आ रही थी उस फोन से, और फोन समझ सकते हो कितना गंदा है भाई। तुम क्वालिटी से समझ सकते हो वीडियो की, मतलब जो ये थोपड़े वाली क्वालिटी है उसकी। सो बेसिकली आज हम माइनक्राफ्ट खेलने वाले हैं। देखो हमारे वर्ल्ड का नाम है ओपी, पूरा वर्ल्ड ओपी है, पूरा वर्ल्ड, पर ओपी है नहीं लिखा है, बस ऐसे ही मन कर रहा था। तो आज हम जो है माइनक्राफ्ट का न्यू वर्ल्ड तो खेलने वाले हैं, आपके लिए वो न्यू वर्ल्ड, लेकिन मैं उस वर्ल्ड में लगभग 10 दिनों से खेल रहा हूँ, ठीक है, 10 दिनों से। ओके, किधर भाई, आज कतई सल्लू भाई बन रहे हैं अपन। सो बेसिकली देखो ये क्या ही भाई, ग्राइंड तो मैं बहुत तगड़ा कर रहा हूँ, पर भाई रिकॉर्ड नहीं कर पाया था। पिछली बार जब मैंने रिकॉर्ड किया था ना माइनिंग के लिए, सो भाई साहब उस वीडियो में हुआ यह था कि जो आपको तो मैं सीन वैसे बता दिया है कि जो मेरा फ़ोन था ये, उसमें माइक काम ही नहीं कर रहा था भाई, रात हो रखी है। तो थोड़ा ऊपर इधर ही इंट्रो थोड़ा सा कर लेते हैं। सो बेसिकली सीन ये हुआ था कि माइनक्राफ्ट में जब मैं ये वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा था, लगभग 1 घंटे मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत करके वीडियो बनाई थी, एंड लास्ट में सीन ये रहेगा, सब वीडियो एकदम तगड़ी रिकॉर्ड हुई, लेकिन लास्ट में सीन ये रह गया था कि जो मेरा माइक्रोफोन है ये वाला, ये माइक्रोफोन मेरे फ़ोन में कनेक्टेड तो था, लेकिन कैमरा जो है रिकॉर्ड नहीं कर रहा था माइक्रोफोन से, वो रिकॉर्ड कर रहा था अपने खुद से, इसलिए सीन ये हुआ कि मेरा रिकॉर्ड ही ना हुआ। चलो कोई ना, अब तो सही है। थोड़ा सा आपको नीचे इतनी खतरनाक जो मैंने माइन बनाई है उसका टूर करा देता हूँ थोड़े से। और भाई साहब मैं बता देता हूँ, ये क्रिएटिव तो बिल्कुल भी नहीं है, मैं प्रूफ दे सकता हूँ, ठीक है भाई, प्रूफ चाहिए तो प्रूफ दे रहा हूँ। रुको 2 मिनट, नेटवर्क ऑन करना पड़ेगा। अरे कहाँ होगा, ओके नेटवर्क ऑन हो भाई साहब, मुझे नहीं पता ऐसे होता है कि सेटिंग्स में होता है ना, हाँ सेटिंग्स में होता है, दिखा देता हूँ तो मैं सब लोग, रुको एक बार, रुको सेटिंग्स में ऊपर आ जाएगा कि अगर मैंने क्रिएटिव कर रखा है ना, तो क्रिएटिव कर रखा होगा तो इधर ऊपर आ जाएगा कि अचीवमेंट कैन नॉट बी अर्नड इन दिस वर्ल्ड, मतलब अचीवमेंट तुम इस वर्ल्ड में ले ही नहीं सकते क्योंकि तुमने क्रिएटिव कर रखा है। और वो आपने देखा है कि भाई ऊपर कुछ नहीं आ रखा, मतलब मैंने क्रिएटिव नहीं किया, ठीक है, मैं प्रूफ देना चाहता हूँ भाई, एक बार तो प्रूफ दे देते हैं भाई लोगों को। वैसे तो मुझे पता है कोई ऐसा बंदा नहीं है कि भाई साहब कहने वाले कि भाई तूने क्रिएटिव यूज़ किया है, क्योंकि इतना ओपी काम ही नहीं किया है बेसिकली, हमने बस थोड़ा सा बिल्ड बढ़िया बनाया, बस वीडियो सीधी ऐसी है कि न्यू सीरीज़ है, और न्यू सीरीज़ में इतना ज़्यादा मैंने ग्रोथ करके सीधा वीडियो बनाई है तो थोड़ा सा सीन ऐसा लग सकता है, इसलिए मैंने बता दिया, कोई नहीं, चलो बढ़िया बात बताइए। एंड मैं आपको दिखाने लाया था इधर नीचे डायमंड्स, ठीक है, सबसे पहले जहाँ से मैं यहाँ से उतरा था ना, हाँ, और एक चीज़ और बता दूँ, वहाँ पर जो लावा है उसमें मैं मर भी गया था, यहाँ जो भाई बंदी कर देते ना, किधर है, अरे यार चलो कोई नहीं भाई। सो इस लावा में मर गया था लास्ट बार, और मेरे पास थे भाई साहब काफ़ी सारे आयरन थे, डायमंड तो मैं तोड़ा ही नहीं, मैं सोचा वीडियो में तोड़ेंगे डायमंड तो ज़्यादा मज़ा आएगा, मेरे पास है नहीं भाई, उसकी पिकैक्स ही नहीं है, क्या बोलते हैं उसे आयरन, हाँ आयरन की मेरे पास पिकैक्स ही नहीं है। और क्यों मैं 4 नगेट लेके घूम रहा हूँ आपको सब कुछ पता चल जाएगा, नगेट मैंने क्यों बनाए थे एंड मैं अभी क्यों लेके घूम रहा हूँ, ठीक है, अभी जल्दी से चलते हैं ऊपर। तो अभी दिन हुआ है कि रात हुई है, ओ हो भाई साहब क्या ही सनशाइन, भाई मैं सनसेट बोल रहा था, ओ भाई साहब सुबह सुबह एकदम, बेसिकली काम करके हम आ चुके हैं, थोड़ा सा डुबकी मार लेते हैं एक बार ताकि पूरी नींद उतर जाए, क्योंकि रात को हम सोए नहीं थे। अबे पूरा नीचे जाना भाई, रुको रुको, ओहो ओम नमः शिवाय, ओके हमारे मस्त एकदम स्नान हो गया है, और अभी चलते हैं हमारे छोटे से घर के पास। आपको सारी बेसिकली सारी चीज़ें मैं आज बताने वाला हूँ कि क्या क्या मैंने किया था। तो ये जो छोटा सा मैंने बिल्ड बनाया है, ये मैं टर्टल्स के लिए बनाया था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि इसको बंद करने के बाद टर्टल्स डिस्पन हो जाते हैं, उनके लिए कुछ सही होता है। अब ये चेस्ट क्यों रखी है वो मैं वीडियो में आगे बताऊंगा, एंड फंडेंस भी क्यों रखे हैं वीडियो में आगे बताऊंगा। सो पहले थोड़ा सा टूर करा दे कि मैंने क्या किया है। सो सबसे पहले तो मैंने ये छोटा सा इधर बनाया ताकि मेरा मतलब कोल वाला सिस्टम ही अलग हो जाए, मैं बस 6 कोल लगे एंड 6 कोल से मेरा ये बस बन गया, और क्या कहते हैं इसे, बॉन फायर पता नहीं भाई क्या कहते हैं, जो भी नाम है भाई इसका। और ये मैंने काफ़ी सारे इधर बनाए हैं इसको जो भी नाम है इस बक्से में। और जो मैं आपको सबसे खतरनाक चीज़ दिखाने वाला था,
अब तो दिख ही गया होगा ना। हाँ भाई साहब, मुझे ये मिल चुका है। एंड भाई साहब, मुझे नहीं पता कि भाई पॉकेट एडिशन में इजीली मिलता है या फिर क्या सीन है। जो भी है भाई, मिल चुका है। बस बेसिकली हमारे पास कुछ तो बढ़िया चीज़ है जो थोड़ी सी रेयर में हो, थोड़ी सी रेयर होती है भाई। ऐसे तो नहीं कर सकते भाई, बिल्कुल किसी को भी मिल जाए। इधर मैंने काफ़ी सारा फूड रख रखा है, और इस बक्से में है ये सारे स्टोन्स वाले, इधर ये सारे फसल वाले होने वाले हैं इसमें। अबे फसल मतलब उठ भाई। हाँ, ये सारे फसल वाले फूल वूल है, और इसमें वो जो भी जोम्बीज और जो भी मर के वो मिलते हैं वो सब मिले हैं, ठीक है। अब हमारा एक ही एम रहने वाला है इस वीडियो में कि हमें सबसे पहले अपना एक प्यारा सा घर बनाना है, ठीक है। घर बनाने के लिए सबसे पहले तो मुझे, मैं सोच क्या तगड़ी सी दे रहा हूँ कि देखो, पहली बात तो मैंने इतना तो ऐसे सैंड गिरा कर भाई। ओके वो ट्राइडेंट वाला, रुको ट्राई करेंगे भाई, ट्राई करेंगे इस बार तो। क्या पता वीडियो में और मिल जाए तो मज़ा ही आ जाएगा कतई। मेरे पास सारी चीज़ें एक बार स्टोर करा देता हूँ, रुको, ये डिस्पोन मत हो जाइए। अबे चलो, इतना तो बहुत है भाई जल्दी से उसके पास जाते हैं। और ये है, अबे हट भाई, सस्ता आदमी, आ तू भाई, आ तू धीरे धीरे मेरे पास आ, इधर थोड़ा सा तट के पास आ, उसके बाद बताते हैं इसे। व्हाट, ऊपर चढ़ना भाई, बच गयो भाई। अरे यार, तू कहां से आ गया भाई, बदमाश। आ भाई ऊपर, रुक जा भाई, मत आ यार, तू मत आ। नो भाई, हाँ ऐसे रिंगा रोज खेलते रहे, मत भाई उसको आने दे यार। ओ भाई, बच गया, फिर से बच गया। नहीं, अबे मैं सोच रहा हूँ कौन मार रहा है। चलो कोई नहीं, उनके हाथ में तो नहीं है। अपना बिल्ड स्टार्ट करते हैं भाई, ऐसे ही बहुत ज्यादा लेट हो गई है हमारे साथ। फोकस में ना आ रहा यार, थोड़ा सा ज्यादा ब्राइट हो रखा है, अभी थोड़ा ज्यादा डार्क हो गया। भाई साहब, क्या सी नहीं इस कैमरे वैमरे का, कैमरा तो नहीं है बस, सस्ता सा फ़ोन है। थोड़ा बढ़ा दे यार, क्वालिटी इंप्रूव कर दे भाई, कुछ ज़्यादा वैरायटी ना हो रखा क्या। ओके चलो, इनको तो इधर पड़े रहने थे। हम सबसे पहले ज़रूरत पड़ने वाली डर्ट की, क्योंकि पूरा बेस हम डर्ट का बनाने वाले हैं, इसलिए जितनी भी मेरे पास डर्ट है, मुझे बहुत ज़्यादा डर्ट की ज़रूरत पड़ने वाली है, क्योंकि पूरा जो बेस वैसे ज़्यादा बड़ा नहीं होने वाला यार। वेट अ मिनट, 23x23 का होने वाला है, पर बड़ा सा होने वाला है बेसिकली। उसके अंदर भी तो भरनी पड़ेगी दर्द। तीन लेयर्स, आई थिंक सो कि तीन लेयर्स तो मैं बनाने वाला हूँ, ठीक है। पहले गिन के चलते हैं भाई, रात भी हो रखी है, चलो कोई ना। तीन गिन के चलते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 18, 19, 20, 21 एंड 22 एंड 23। ओके, बेसिकली हमारा देखो हाइट तो पूरी बराबर हो चुकी है, एंड हाइट एंड विथ आई थिंक दोनों सेम ही है। मैंने आपको छोटा सा टूर ही नहीं दिया इस घर का, ये हमारा छोटा सा घर है, बस इतना ही टूर था, खत्म हो गया भाई, इतना सा इतना था। अबे यार, ये फोकस ना मार रहा है यार, कितना गंदा लग रहा है, फोकस तो मार रखा है, कति काला आ रहा हूँ मैं। ओ ना भाई, ऐसे तो नहीं चलने वाला। ये ठीक है भाई साहब, मुझे ना फिर से गलत हो गया। अबे यार भाई, दिख जा भाई, दिखना बढ़िया चाहिए हमको। ना भाई, अरे आ जा भाई, कैमरा क्या दिक्कत। चलो ठीक है भाई, इतना ही ठीक है, साइड में आने वाला है थोड़ा सा, तो बढ़िया दिखेगा, ज़्यादा गंदा तो ना दिखेगा, ज़्यादा ब्राइट नहीं लगना चाहिए। पिछली बार मुझे लग रहा है ज़्यादा ब्राइट हो गया था। तो बेसिकली साइड से है ना, एक ग्रीन ब्लॉक से मतलब ऐसे जोड़ना पड़ेगा, तभी जाके आई थिंक ये ग्रीन होने वाला है, और नहीं तो शायद बोन मिल मारने पे हो जाएगा। पता नहीं बोन मिल पे होता है कि नहीं होता, ये पता नहीं है। मेरे पास सिर्फ 2 बोन्स है, और वो वेस्ट हो गई तो पता नहीं क्या सीन होने वाला है मेरे पास, क्योंकि मैं ज़ॉम्बी से ज़्यादा फाइट ही ना लेता ना। एचपी भी एकदम, एचपी नहीं मतलब एक्सपी बिल्कुल कम हो रखी है, 4 हो रखी है बस। मेरे पास शवल, एक शवल बस। ओ भाई
देखो 62 एंड ये सारी शॉल बनाते हैं। अभी देखो तुम 8 शॉल एक साथ बना सकते हैं। मेरे पास बेसिकली एक स्टेक और पड़ा था अभी, पर चलो कोई नहीं, पहले माइनिंग कर लेते हैं जल्दी से सारी डर्ट। भाई साहब कितनी ज्यादा देर बाद जो है अब अपना काम पूरा हुआ है। भाई साहब कितना खतरनाक जो है मैंने जस्ट तोड़ दिया है पूरा मेरा जितना भी पिकेक्स नहीं सॉरी वो क्या कहते हैं उसे शवल्स, तो जितनी भी मेरी शवल्स थी सारी की सारी मैंने यूज कर दी है। 8 भाई 8 शवल यूज करना कम बात नहीं है वैसे। सो बेसिकली हमारे पास बहुत ज्यादा डर्ट आ चुकी है। बेसिकली आई थिंक इतने से हमारा काम इजिली हो जाने वाला है, पूरा काम ठीक है ईजिली हो जाने वाला है। सो सबसे पहले तो मैं इन्हें इधर आगे ले आता हूँ ताकि आराम से अपना काम कर पाएँ, ठीक है। अभी जल्दी से जाते हैं उधर एंड अपना काम फिर से शुरू करते हैं भाई साहब। सो जल्दी से मैं इधर लगा देता हूँ सारी डर्ट एंड उसके बाद फिर से आपसे मिलते हैं। सब कहने में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है कि भाई सिर्फ 10 लाइक्स का बात हुई है अभी, लेकिन भाई साहब अगर वो कंप्लीट हो जाता है तो कतई मज़ा आने वाला है। तो जो भी वीडियो को देखने वाला है प्लीज़ यार मेक श्योर तुम तो लाइक कर दो, क्योंकि वैसे ही बहुत कम लाइक आते हैं क्योंकि वीडियो ज़्यादा वायरल ही नहीं होती, ठीक है। तो मेक श्योर पक्का कर लेना कि अगर तुम वीडियो को देख रहे हो तो तुम वीडियो को लाइक करके ही जाओ एंड बाकी तो क्या ही करूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन टाटा बाय बाय।
टेक केयर।